हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ एक चिकन की बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर इस तरीके से आप चिकन बनाएंगे तो आपके ग्रेवी होंगे बहुत ही ज़्यादा थिक एंड मसालेदार। बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये बनाएंगे, सिर्फ प्रोसेस थोड़ा अलग है। तो चलिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। पहले हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम कर लेंगे, फिर उसमें डाल देंगे 5 लाल मिर्च। फिर हम 2 बड़े साइज़ का प्याज ले लेंगे और एक को बहुत ही अच्छे से फाइनली चॉप्ड कर लेंगे और एक को बहुत अच्छी तरीके से स्लाइसली काट लेंगे। फिर हम चॉप्ड किया हुआ प्याज तेल में डाल देंगे और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ा नरम हो जाने तक हम ऐसे इसको फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फिर हम लो फ्लेम में 2-3 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम पका लेंगे। फिर इसमें हम एक एक करके चिकन के पीस डाल देंगे। चिकन को मैं बहुत अच्छी तरीके से धो के रखी थी और यहाँ पे मैं 750 ग्राम चिकन यूज़ करूँगी। चिकन देने के बाद प्याज के साथ हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फिर हम इसको मीडियम फ्लेम में मिक्स करके एक साइड बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो अभी हम चिकन को ऐसे ही छोड़ देंगे और कुछ देर तक ऐसे पका लेंगे ताकि चिकन के एक साइड बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा और बहुत अच्छा एक कलर भी आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि चिकन के एक साइड बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है और एक ब्राउन कलर भी आ चुकी है। अब हम इसको थोड़ा मिक्स करके दूसरे साइड को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो अभी ये चिकन दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ही बहुत अच्छी एक गोल्डन कलर भी आ चुकी है। तो अब इसमें डाल देंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज देने के बाद हम चिकन के साथ प्याज को बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फिर करीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में हम चिकन को अच्छी तरीके से पका लेंगे। पहली बात तो ये है कि ये चिकन की रेसिपी थोड़ा स्पाइसी है, तो इसको ज़्यादा मत बनाइए अपने घर पर। और दूसरी बात मैं बताने वाली हूँ, मैं इस रेसिपी में 2 तरीके से प्याज यूज़ की थी, क्योंकि अगर मैं पहले चिकन में चॉप्ड किया हुआ प्याज डाल दूँगी तो वो खाना पकने तक बिल्कुल ग्रेवी के साथ मिल जाएगी, जिसकी वजह से ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक होने वाली है और वो बहुत मस्त लगता है खाने में रोटी चपाती पराठे के साथ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को। देख लीजिए चिकन फ्राई करते करते चिकन में एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव कलर आ चुकी है गोल्डन ब्राउन की। तो मैं इसको और कुछ देर पकाऊँगी, तब तक मैं एक मसाला बना लेती हूँ। तो अब हम जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बनाए थे तो उसमें हम पानी ले चुके हैं। अब उसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो हम इसको मिला के एक बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे चिकन में देने के लिए। और दूसरी साइड पर चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है और अब हम इसमें डाल लेंगे वो तैयार किया हुआ मसाला का पेस्ट। मसाला देने के बाद हम चिकन के साथ मसाला को बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे और ऐसे 4-5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाएंगे, तब तक जब तक ना ऑयल इससे सेपरेट हो जाए। मसाले में ऑलरेडी पानी दिया हुआ है तो दोबारा से पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है, ऑयल भी सेपरेट होने लग गई और चिकन का भी बहुत ही अच्छा एक ज़बरदस्त कलर आ चुकी है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे और फिर लो फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक चिकन को पका लेंगे। बिल्कुल ड्राई होने तक चिकन को हम पकाएंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे गरम किया हुआ पानी। मैं यहाँ पे 1 ग्लास गरम किया हुआ पानी यूज़ कर रही हूँ। फिर चिकन के साथ पानी को थोड़ा मिला लेंगे और थोड़ी देर उबालने के बाद मैं इसमें फिर से 1 ग्लास उबला हुआ पानी दे दूँगी। फाइनली चिकन में पानी डाल के चिकन के साथ पानी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और ऐसे ही रख के हम लोग लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक ढक्कन ढक के उबाल लेंगे और फिर उसके बाद हम लोगों का आज का रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
आज का ये चिकन का रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और रेडी टू सर्व। आप लोग देख सकते हैं कि चिकन की कलर कितनी अच्छी आई है और चिकन बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है और ग्रेवी भी बहुत थिक बन चुकी है। आप लोग भी ये अपने घर पे ट्राई कीजिए और रोटी चपाती पराठा किसी के साथ भी सर्व कर लीजिए। मेरा आज का रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।